So hey guys, what is up? Welcome back to the vlog. तो अभी फिलहाल बज रहा है रात का 9, व्लॉग अपलोड हो चुका है 8 बजे, लाइव हो गया था. एंड अभी हमें जाना है एक शादी में. तो देखो, आपको बैंड की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, एक्चुअली बारात आ चुकी है एंड घर के पास ही गेस्ट हाउस है, तो वहीं पे शादी है. और मैंने कपड़े भी पहन लिए, एक ये फुल शर्ट डाल ली है, नीचे व्हाइट कलर की जींस डाल ली है और शूज़ पहन लूंगा, तो ऐसे ही सिंपल लुक बना के चलो चलते हैं. पर जहाँ शादी में जा रहे हैं वहाँ पे जो बारात जा रही है वो देखो, ये जा रही है, ये डांस हो रहा है भाई यहाँ पे, क्रेजी. टाइम होने जा रहा है 9:20 एंड हम बासुआदा गुनगुन जो है शादी में जा रहे हैं. ज़्यादा दूर नहीं है, बस बिल्कुल पास ही में. एक्चुअली वहीं पे शादी है जहाँ पे सागर दादा का तिलक हुआ था. सागर दादा का तिलक कब हुआ था? सागर दादा का तिलक हुआ था 29 तारीख को और आज 28 तारीख. देखो 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 कितनी जल्दी है. उतनी ऐसे हम बोल रहे थे चलो चलो चलो, तब सुन नहीं रहे थे और भागे जा रहे हैं दोनों लोग. जैसे हम लोग गेस्ट हाउस पहुंचे वहां पे हमारा स्वागत हुआ सबसे पहले भीड़ से, और उसके बाद उस भीड़ से निकलने के बाद मैं जल्दी से अंदर घुसा. उसके बाद मैंने अपने लिए टिक्की बनवाई, टिक्की खाई. टिक्की खाने के बाद फिर हमने जो था अपने लिए डोसा बनवाया, डोसा खाया. और गुनगुन दीदी वहाँ पे चाउमीन खड़ी होकर खा रही है. बड़ी मुश्किल से जो है हम अपना डोसा लेके आ गए और यहाँ पे ना क्रेजी भीड़ हो रखी है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी है. तुम्हारे स्कूल के सारी मैम एक्चुअली ना गुनगुन के स्कूल में जो है टीचर हैं जिनके यहाँ मतलब कि शादी है, तो इन गुनगुन के स्कूल के सारे टीचर यहाँ पे आई हुई हैं भाई. चलो सबसे शिकायत करें चल के. भाई डोसा वोसा खाने के बाद आइसक्रीम लाए हैं, आइसक्रीम खाने जा रहे हैं. यहाँ पे तो फुटेज खा के क्यों आइसक्रीम खा रहे हैं? फुटेज मत खाई, अभी आप आइसक्रीम खाई है. खाने में भी कोई फुटेज खाता है? हाँ खाते हैं, आप खाते हैं, आप खाते हैं, तभी हम बोल रहे हैं आइसक्रीम खाइए, फुटेज मत खाइए. अभी मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, आप फुटेज खा रहे हैं. हाँ सही बात, गुनगुन मैंने फुटेज खाती है. थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करने के बाद हम लोग जो है अपने लिए खाना ले आए. खाने में ज्यादा कुछ नहीं खा रहे हैं, सिर्फ पुलाव और पनीर खा रहे हैं. गुनगुन जो है शाही पनीर के साथ खा रही है एंड मैं ना कढ़ाई पनीर के साथ खा रहा हूँ. इनको ना कढ़ाई पनीर पसंद नहीं है, तो एक ही प्लेट में हम लोगों ने साइड साइड में चावल लगा लिया खा रहे हैं. भाई बहुत ही ज़्यादा यहाँ भीड़ थी तो हम लोगों ने बिल्कुल किनारा पकड़ लिया है और यहीं पे बैठ के खाना खा रहे हैं. टाइम होने जा रहा है 10:40 एंड अब हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए. और ये जो हमारी दीदी हैं अभी भी आइसक्रीम खा रही, बहुत बड़ी शौकीन है आइसक्रीम की. भाई इनका बस चले तो ये 2-3 पकड़ लें घर लिए जाएं, ज़्यादा दूर भी नहीं है, आराम से लिए जा सकती हैं ये. और भाई यार अब तो ऐसा हो रखा है जहां चले जाओ वहां सब्सक्राइबर बाबू मिल ही जाते हैं. यहां पर हमें तो मिले मिले और साथ में गुनगुन को अलग मिले. गुनगुन से तो मिल के बोल ले, जो आज रात में व्लॉग लाइव हुआ है ना पॉपिट वाला, तो गुनगुन खड़ी आइसक्रीम ले रही थी और वो बोले आके पॉपिट है ना, एकदम से पॉपिट बोले. ये तो चौक गई से तो समझ ही नहीं आया क्या इसे, लेकिन बाद में आया. हाँ आज के व्लॉग का टाइटल पॉपिट था. लेकिन भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि व्लॉग मेरा लाइव वो 8:15 पे ठीक है, और ये लोग शादी में भी थे 9 बजे, तो मतलब क्या इन लोगों ने शादी में व्लॉग देख लिया क्या? भाई अपनी आर्मी जो है बिल्कुल क्रेजी है, हर जगह व्लॉग देख लेते हैं हमारे. So hey guys, what is up? Welcome back to the vlog. Today is next morning, बज रहा है सुबह का 12, well दोपहर का 12. And guess what? हम बैग टांगे हुए हैं, टोपी लगाए हुए हैं, चाबी हाथ में है, हम कहीं जा रहे होंगे. एंड आप लोग सही सोच रहे हैं, हम जा रहे हैं बैंक फिर से. भाई 2 हफ्ते से बैंक. क्या बताएं यार, हमारा तो दिमाग खराब हो गया है बैंक जा जाके. वैसे ये सारे काम बासुआदा के हैं, बट भैया बासुआदा जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तभी ये सब काम मेरे को निटवाने पड़ रहे हैं मम्मी के. तो चलो भैया फिर से लेके चलते हैं मम्मी को. इट्स 2 PM और अब जाके एक बैंक का जो है काम खत्म हुआ, लेकिन अभी यहाँ पे फिर से आना है बिकॉज भैया बैंक वालों ने इंटरवल कर दिया. इंटरवल 2:30 बजे खत्म होगा, तब तक हम जा रहे हैं दूसरी बैंक, वहाँ पर भी काम निपटाना है. भाई आज कसम खा ली, आज चाहे कुछ भी हो जाए सारे काम निपटा ही देंगे. चलो अपने साउंड को चालू करते हैं, जब तक यहाँ इंटरवल है तब तक वहाँ का काम निपटाते हैं. मम्मी कहाँ है? वो देखो पानी पीती हुई आ रही है. तो मम्मी को हमारी प्यास भी बहुत लगती है, जहाँ जाएंगी बोतल अपने साथ ही लेके जाते हैं. फ्रीजर और सेकेंड बैंक, चलो यहाँ पे देखते हैं जो काम बचा हुआ है वो कराते हैं. जिंदगी मेरी आजकल बैंकों में जा रही है गाइस. तो फाइनली यार आधे घंटे के अंदर अंदर अपना यहाँ पर भी काम कम्प्लीट हो गया. ये मतलब बड़ी मस्त जगह है, कोई नहीं बैठा होता है, तुरंत जाओ तुरंत काम हो जाता है. एंड अब चल के बस आखिरी काम वहाँ पे कराते हैं. और मम्मी जी कुछ खिलाइए पिलाइए, आपका इतना सारा काम करा रहे हैं, क्या खिलाएंगे? जो तुम्हारा लस्सी पी लेना. लस्सी पीते हैं, चलो पहले काम कराते हैं. लेकिन तो हम फिर से वापस उसी बैंक में आ गए, लेकिन भाई यहाँ पे ना सर्वर डाउन चल रहा है सुबह से, और भाई यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही है. हम इंतजार कर रहे हैं कब सर्वर आए, कब अपना काम हो. मेरे को खड़े खड़े 1 घंटा होने जा रहा है. देखो यहाँ पे भीड़ भी कम हो गई, लेकिन भाई यहाँ पे सर्वर नहीं आया, बिल्कुल सर्वर आ ही नहीं रहा यार. टाइम हो रहा है 3:35 एंड अभी तक सर्वर ही नहीं आया. भाई यहाँ का सर्वर कुछ ज्यादा दिक्कत हो रहा था, 4 बजे बैंक बंद हो जाती है. तो सर ने बोल दिया यही सत्य यार, जो दुख आगे जा रहे हैं, जो अपनी बाइक के पास से बाइक उठा रहे हैं ये वाले सकते हैं. तो उन्होंने बोल दिया कि कल ही आना भैया, तो कल सुबह ना हम 10 बजे आके करा देंगे. मम्मी का कोई काम है नहीं, बस थोड़ा सा काम बचा है वो हम ही करा देंगे. चलो चलते हैं. लेकिन यार भूख लगी है, सुबह से कुछ खाया पिया तक नहीं. लस्सी पिलाइए चल के, लस्सी. तो भाई चलो फाइनली लस्सी वाली दुकान पे आ गए. बिल्कुल पतली सी दुकान है, लेकिन भाई यहाँ पे लस्सी बड़ी मस्त बनती है. इस दुकान का नाम है सप्ले, मतलब हटोई वाले लोग हैं, उन्होंने तो पी होगी. अंकल 2 लस्सी दे देना इधर.
सीट मिली और ये चेक करो इतनी भीड़ होती है भाई पूरी रोड पे जो है गाड़ियाँ लोगों की खड़ी होती हैं। लेकिन भाई वो अपनी गाड़ी निकालें कैसे, घर निकालते हैं, घर चलते हैं, व्लॉगिंग बंद करते हैं, ठीक है भाई। फाइनली भैया रीच्ड हम, वो भी पूरे 4 बजे निकले, कब थे निकले थे शायद 12:30 बजे, 4 बजे घर पहुँच रहे, लेकिन सारे काम डन, ग्रेट सक्सेस। अब यार घर तो आ चुके हैं, लेकिन घर आते आते एक ऐसी बुरी खबर मिली, ऐसी बुरी खबर मिली है कि हमें ना रोना आ रहा है। हमारा मीटअप है 8 तारीख को, एंड उसके बाद ना मेरे को जाना था पुआए, तो पुआए वाले लोग तो खुश होंगे ये सुन के, तो पुआए जाना था। लेकिन अभी ना मेरे स्कूल वाले ग्रुप पे मैसेज आया है कि हमारे ना यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं 3 तारीख से लेके 12 तारीख तक। वैसे तो मेरे को 9 तारीख को पुआए के लिए निकल जाना था, बट अब भाई यूनिट टेस्ट लगे हुए हैं तो 12 तारीख तक तो यूनिट टेस्ट है। एक्चुअली 13 तारीख को ना वहाँ पे एक भैया का तिलक है, 14 को शादी, तो वही शादी अटेंड करने के लिए जाना था। लेकिन मैं ना कुछ दिन पहले जाना चाहता था, छोटू सत्यन ने भी बुलाया था, खूब मस्ती करते चल के पुआए में, लेकिन भाई यूनिट टेस्ट लगा दिया स्कूल वालों ने, तो अब देखो कब जाएंगे, शायद 11, 12 या 12, मतलब 11 को तो जा नहीं पाएंगे, 11 को टेस्ट है, 12 को टेस्ट देके शायद जाएंगे, वरना 13 को तिलक वाले देने जाएंगे, अब वो तभी देखेंगे। दिमाग मेरा खराब हो गया यार, सोचा था 9 तारीख को जाएंगे, लेकिन स्कूल वालों ने टेस्ट लगा दिया यार, अब क्या कर सकते हैं। पर बाकी यार जो भी पब्लिक अपना व्लॉग इस समय पुआए से देख रही हो, जरा नीचे कमेंट करके बताना, हमको तो पता चले कितने लोग अब पुआए से और देखने लगे हैं, पहले से बहुत देख रहे हैं, अभी भी और बढ़ ही गए होंगे। तो पुआए आई एम कमिंग। बस मैं घर के अंदर जा रहा था कि मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी, आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये जो थे हमारे यहाँ मक्के के कुछ इधर पेड़ लगे थे, कुछ मक्के के पेड़ उधर लगे हैं जो कि अभी बहुत छोटे हैं, पर इधर वाले पेड़ में ना ये देखो एक भुट्टा भी आ चुका है, ये देखो ये भुट्टा आया हुआ है, तो 2 महीने के अंदर शायद ये भुट्टे बड़े हो जाएंगे, तो 2 महीने बाद अपने किशन गार्डन के भुट्टे खाने को भी मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ इधर वाले पेड़ों की कहानी। एक दिन यहाँ पे किशन गार्डन में भुट्टा पड़ा था, तो मैंने बस उसके सारे उखाड़ उखाड़ के वो हमने बस ऐसे जमीन में डाल दिए थे, ऊपर से मिट्टी डाल दी, तो इतने सारे पेड़ अपने आप उगाए, ये तो अपने आप उगाए। लेकिन जब ये उगाए तो मामा ने जो था इधर बाकी ये सारे पेड़ लगा दिए अच्छे से, तो भाई साहब मस्त भुट्टे आने वाले हैं अपने किचन गार्डन में। देखो एक तो उग भी आया, भुट्टों के साथ साथ ये चेक करें आप, टमाटर अभी तो हरे हरे हैं, पर इधर वाला देखो ये हल्का सा लाल लाल भी होने लगा, पर बाकी सब हरे हरे हैं, ये भी 1-2 हफ्ते के अंदर लाल हो जाएंगे शायद। और यार एक बात और मेरे को आपको बतानी थी, वो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि हम इतना ज्यादा बैंकों में काम कर रहे हैं, 3-3 बैंकों में घूम रहे हैं, अपने लिए भी नया अकाउंट खुला रहे हैं, तो ये सब हम क्यों कर रहे हैं, इसका मेन कारण बताएं क्या है। उन सारे अकाउंट को खुलाने का मेन कारण है ये इस चीज को आप देख रहे हैं, ये है हमारे किचन गार्डन में नींबू का पेड़। और भाई साहब इसमें देख रहे हो कितने नींबू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कम से कम नहीं तो मैं तुम लोगों को गिना नहीं सकता, कम से कम 200-300 से ज्यादा पार नींबू तो लगे होंगे जो मेरे को देख रहे हो, बाकी सारे अंदर छुपे भी होंगे। तो अब नींबू बेच के पैसा छापेगा आपका ये ब्लॉगर भाई, जिसको भी नींबू लेना हो संपर्क करें। और ये हमारे किशन गार्डन के नींबू हैं, तो आप लोगों को महंगा ही बेचेंगे, सस्ता नहीं बेचेंगे, ठीक है, ये महंगे बेचेंगे क्योंकि इसको हमने अपने खून पसीने से उगाया है, और जो भी पैसा आएगा उससे वही सब अपने अकाउंटों में डालेंगे, तभी तो इतने सारे अकाउंट खुला रहे थे। आप लोगों को क्या लग रहा है। तो यार अभी किशन गार्डन में थोड़ा टहलने के बाद हम आए थे मार्केट थोड़े से बीज लेने के लिए, और अभी हमने बीज लिए हैं करेले के, और करेले के साथ साथ लिए हैं भिंडी के, बिकॉज ये टाइम है करेले और भिंडी के पेड़ लगाने का, जिससे कि हमें 2 महीने बाद करेला भिंडी मिले, तो इसमें हमने थोड़े से ले लिए। जस्ट रीच होम और यहाँ पे देखो मस्त सब्जी खरीदी जा रही है ठेले पे, बस ये सब्जी कुछ दिनों तक ही खरीदी जाएगी, बिकॉज अपने किचन गार्डन में कुछ दिनों बाद सब्जियाँ लग जाएंगी ना। तो हमने सारे बीज जो है मामा जी को सौंप दिए हैं, मामा जी इनको आज या कल में लगा देंगे, और इसके बाद वही जुलाई साइड, मतलब जुलाई की शुरुआत में मस्त सी भिंडी और करेले लगने लगेंगे। भाई हमारे किचन गार्डन में इतनी बड़ी भिंडी, ऊपर से लेकर यहाँ तक इतनी बड़ी बड़ी भिंडी लगती हैं, और बहुत मीठी, बहुत टेस्टी, जब लगेगी मजा आ जाएगा। हाँ सेमी यहाँ पे चिपक गई, और ये ना कभी कभी इसे काट देती है, अगर हल्का सा भी तेज चलो ये ऐसे काट देगी, 2-3 बार काटा है, बहुत दर्द होता है। और अब फिलहाल हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने जा रहा हूँ मैं, कोर्स भी लेना है, कोर्स देखो ले आऊंगा जाके आज या कल में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दें, मिलेंगे आपसे जल्दी कल हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन यार कहो कुछ भी, ये आइडिया है बढ़िया, ऐसा हम लोग सच में कर सकते हैं कि सारे जब नींबू बड़े हो जाएंगे, एक नींबू इतना बड़ा होता है और उससे रस इतना निकलता है भाई, एक ग्लास भर जाए समझ लो जो छोटा वाला होता है, उसको हम लोग बेच सकते हैं। क्या मैं सोच रहा हूँ बेफालतू का, बेचेंगे भाई ब्लॉगरों के नींबू बेचेंगे, और कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, बेच भी सकते हैं नींबू, नींबू बेचने में क्या, बेचेंगे इतने महंगे हैं, बेच देंगे, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं।